नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या बड़ी अमावस्या के रूप में जानी जाती है। 12 माह में आने वाली ज्येष्ठ अमावस्या इसलिए कहलाती है क्योंकि 12 माह में ये बड़ा माह होता है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 30 मई सोमवार के दिन कृतिका उपरांत रोहिणी नक्षत्र सुकर्मा योग नागकरण वृषभ राशि के चंद्रमा की साक्षी में आ रही है। इस बार 30 मई को शनि जयंती और सोमवती अमावस्या के महासंयोग के साथ दो खास योग भी बन रहे हैं। वहीं ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर यानी शनि जयंती पर शनिदेव को 5 चीजें खासतौर पर चढ़ाना जरूरी है। आइए जानते हैं इस बार शनिदेव को क्या अर्पित करना चाहिए। शनि जयंती के दिन शनिदेव को शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए या फिर आप शनि जयंती के दिन शमी वृक्ष की पूजा करें और इसके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं तो शनि दोष के कुप्रभाव से बचाव होगा। वहीं शनि जयंती के दिन शनिदेव को अपराजिता फूल अर्पित कर सकते हैं। ये फूल नीले रंग का होता है और शनिदेव को ये अति प्रिय भी है। शनिदेव को शनि जयंती के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है। इससे शनि दोष शांत होंगे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शनि जयंती पर काले तिल और काले तिल से बने व्यंजन शनिदेव को जरूर चढ़ाएं। साथ ही इस दिन काले तिल का दान करना भी उत्तम माना गया है। शनि जयंती पर शनिदेव को नारियल भी चढ़ाएं, इससे शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।